आज जो इमेज का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम, ये हमारे जो विद्यार्थी हैं इनको समझ ही नहीं आता है कि कैसे बनेगा मिश्रण का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको, और शॉर्ट वे में बता देंगे कि कैसे बनता है। तो लिखा हुआ है कि एक मिश्रण के में 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, और दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। तो बोल रहा है पानी मिलाना कितना होगा, तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मिश्रण कितना लिखा हुआ है, 729, और वहां पर कितना दिया हुआ है दूध और पानी, कितना दिया हुआ है 7:2 है ना, 7:2 दूध और पानी मिला के मिश्रण बना होगा ना। हाँ। तो जहाँ यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे कितना होगा, 7 और 2 जोड़ के 9 हो जाएगा ना। हाँ। तो 9 कर दिया, टोटल का तुलना तो टोटल से कर दिया ना। हाँ। हमको निकालना होगा फर्स्ट में क्या दूध है ना, दूध का अनुपात कितना हो गया 7 है, अब पानी कितना निकालना, पानी का 2 से निकालना होगा ना। तो देखिए हम काटते हैं, काटने के लाता है ना, 9 है, 9 टाइम कट गया टोटली। अब 81 × 7 कर लेंगे तो हमारा दूध का आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा दूध का 81 × 7 कितना होगा, 7 × 7 7 कितना 567 आ गया ना ml दूध का। हाँ। 567 ml दूध आ गया, ठीक ना। हाँ। अब फिर क्या निकालना है, अब निकालना है पानी का निकालना है ना, पानी का 81 पानी के लिए 2 से गुणा कर लेंगे ना, 81 × 2 = 16 क्या मिल गया, इसमें जो था कितना दूध और कितना पानी था वो निकाल लिया। हाँ। आगे फिर क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाए तो मेरा मिश्रण कितना का हो जाए, 7:3 का। तो हम लोग करेंगे क्या, जो वैल्यू आया है दूध का ऊपर रख लेंगे, कितना रखेंगे 567 ऊपर, पानी कितना आया 162 कितना आया 162 आया ना। हाँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी कितना मिलाना होगा। हाँ। तो पानी मान के चलिए हम एक्स मिलाना है, क्या मिलाना है एक्स मिलाना है, तो अनुपात कितना कर रहा है यहाँ पर 7:3 कर रहा है, तो 7:3 लिख सकते हैं इसको। हाँ। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से अब क्या करना है तो पता होगा ना, क्रिया गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 21 कितना 2 हो गया ना, 2 = 20 फिर 2 बच गया ना, 17 हो गया ना, 1701 इधर करने कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 7 अच्छा 11 हो गया ना, अब प्लस में क्या हो जाएगा 7x होगा ना, हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें से घटा लेंगे वैल्यू, कितना हो जाएगा 11 × 4 = 7 यहाँ बच गया 9 × 3 = 6 यहाँ 6 बचा ना, 6 × 6 = 5 यहाँ तो 0 0 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो गया 7x हो गया ना। एक्स के वैल्यू निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे ना, 7 से भागा हमारे कितना हो गया 7 × 8 = 7 एक्स का वैल्यू मतलब एक्स किसको मान लेते हैं हम लोग, 81 ml जो आया ये एक्स का वैल्यू आ गया, ये एक्स किसको मान लेते हैं पानी, पानी कितना और मिलाना पड़ेगा 81 ml, ठीक ना। ये क्वेश्चन को इधर उधर बिहार पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जाके आप देख भी सकते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे थे समझने के लिए। हाँ। चलिए ठीक है।